ऑल, सो गेस करो आज मैं कहाँ जा रही हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू द हॉक्स वे फार्म हाउस विथ माई कॉलेज फ्रेंड्स। सो हम लोग जो है ऑलमोस्ट 9 o'clock तक निकल गए थे एंड तकरीबन 1 घंटा लगा हमें पहुँचने में, और बस में हमने गाने गाए, पिक्चर्स खींची और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। सो अब बस फार्म हाउस आने ही वाला है एंड फाइनली वी हैव रीच्ड। And welcome back to my YouTube channel. So मैं यहाँ पर आई हुई हूँ हॉक्स वे रिजॉर्ट पर एंड लुक हू इज हियर विद मी। सो ये है, नाम बताओ अपना। नूरुलैन। दिस इज मारिया एंड दिस इज कोमल। और ये आज बहुत ज़्यादा लेट आई है, 8 बजे का टाइम था और ये मैडम 9:30 बजे आई है। इसके लिए बसेस वेट कर रही थी। क्यों कोमल, इतनी लेट क्यों हुई आपको आज, रीज़न बताएं। मैं बहुत स्पेशल इंसान हूँ, मैंने बोला कि थोड़ा लेट करेंगे। हाँ, इनविटेशन करेंगे ना, खड़े रहेंगे गेट पे, कोमल आएगी। बड़ा अच्छा लगा। तो अब देखते हैं अभी क्या करना है। नीचे जाना है। चलो चलते हैं नीचे। ये पूरा इन्वायरमेंट है इधर का और ये ऊपर रिजॉर्ट है हमारा, फार्म हाउस है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चप्पल उतार के जाओ, चलो फिर उतारते हैं चप्पल। मैंने सॉक्स पहना था, मुझे सॉक्स भी डालने पड़ेंगे। ओहो, till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कैमल्स है, हॉर्सेस है। मैं अभी फिलहाल कैमल हॉर्सेस में बैठ नहीं रही हूँ, देखूँगी बाद में बैठना होगा तो बैठूँगी। और अभी यहाँ पे बोटिंग भी होगी 12 to 2, तो बोटिंग करेंगे फिर। मुझे लगा था, पता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी होने वाली है, इसलिए मैं शॉल लेके आई, स्वेटर लेकर आई, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, पूरी धूप निकली हुई है। सो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। सो यहाँ से जो है वो एंट्रेंस है, देन इधर थोड़ी बहुत स्लाइड्स हैं और फिर इधर आता है पूल और इधर बीच है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जो है वो बोटिंग भी करूँगी, बट गाइस अनफॉर्चुनेटली मैं बोटिंग नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये है कि बोटिंग के लिए एक तो इतनी लंबी लाइन थी कि मैं ऑलमोस्ट 1 या 1.5 आवर से खड़ी हुई थी लाइन में, बट एंड तक मेरी टर्न नहीं आई। एंड फिर मुझे एंड में ऐसा हुआ कि अब मैं और वेट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने बोटिंग नहीं की। यहाँ पर इंडोर गेम्स का भी छोटा सा सेक्शन है जहाँ पर कैरम भी है। सो अभी फिलहाल हम लोग कैरम खेल रहे हैं। लाइन पर रहना चाहिए ऐसे और ऐसे। ऐसे ऐसे
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी नहीं पहना हुआ है। तो गाइस हुआ ये ना कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर भी गई थी, बट कैरम खेलने के बाद और स्पेशली बोर्डिंग के लिए वेट करने के बाद मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा कि सबसे पहले जाकर मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनूं और उसके बाद स्विमिंग करूं, इसलिए मैं इन्हीं कपड़ों में पानी में उतर गई। बिकॉज मुझे ऐसा था कि बाद में चेंज तो करना ही ना जाने से पहले, सो दैट्स वाई। एंड नाउ इट्स टाइम टू ईट सम बिरयानी। ओके सो अभी फाइनली टाइम आ गया हमारे घर जाने का और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। चले डेढ़ घंटा हम लोग बोटिंग के लिए खड़े रहे हम सब लोग, लेकिन एंड तक हम बोटिंग नहीं कर पाए और बस फिर मैंने थोड़ी सी स्विमिंग की। तो चलो बाय गाइस।